की भीनी भीनी महक और चारों ओर फैले बागान। वन हॉर्न राइनो और बेम्बू सिल्क के अलावा असम की एक और खास बात है वहां के मैन्युस्क्रिप्ट आर्ट। 16वीं और 17वीं शताब्दी में पनपे इस आर्ट में पोएटिक वर्सेस के साथ साथ में उनका चित्रण भी किया जाता था। इनके साथ में हमारी माइथोलॉजिकल कहानियां, माइथोलॉजिकल एपिक्स को छोटे छोटे चित्रों में लिखा जाता था और एक और बनाया जाता था। असम के इन पेंटिंग्स के कई स्टाइल्स हैं। वैसे चार तरह से मुख्य रूप से बनाई जाती है, सतरिया, गड़गियान, तरंगी और ताई स्टाइल। कहा जाता है इन पेंटिंग्स को बनाने का उद्देश्य वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार था और ये पेंटिंग्स अहोम के काल में खूब पनपी थी। असम की ये खास पेंटिंग बनाई जाती है बार्क पे, पेड़ों की बार्क पे, जिन्हें सचीपट और तुलापट बार्क पे इंक से बनाई इन पेंटिंग का जादू बिखर जाता है। नेचुरल चीजों से बनाई हुई ये पेंटिंग असम को एक खास दर्जा दे देती है। तो मेरे साथ आर्टीज में आज इतना ही। अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।